हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विथ मान। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मान के साथ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे साथ अपने करंट अफेयर याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने इंश्योर नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पर्यावरण मंत्रालय ने। ऑप्शन ए राइट है। आपको बता दें कि हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने इंश्योर नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है? तो ऑप्शन ए राइट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पूछा है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये बने हैं अशोक गहलोत। ऑप्शन सी राइट है। आपको बता दें कि हाल ही के चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की पार्टी ने राजस्थान के चुनाव में जो है जीत हासिल की है और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री होंगे और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे। ऑप्शन सी राइट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन हो गए हैं? पूछा है मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन हो गए हैं, तो वो हो गए हैं कमलनाथ। ऑप्शन बी राइट है। आपको पता है कि हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और वहाँ पे कांग्रेस की जो है जीत हुई है और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपना कमलनाथ को मुख्यमंत्री चुन लिया है और ये जल्द ही शपथ ले लेंगे, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के चौथे भागीदार फोरम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दिल्ली राज्य के चौथे भागीदार फोरम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिसंबर 2018 में किस देश की यात्रा पे गए हैं? तो वो गए हैं म्यांमार की यात्रा पे। ऑप्शन बी राइट है। आपको बता दें कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद म्यांमार की यात्रा पे गए हुए हैं और वहीं पे इन्होंने कृषि अनुसंधान और शिक्षा केंद्र के का उद्घाटन जो किया है और म्यांमार के वासियों को सौंप दिया है, ठीक है? तो ऑप्शन बी राइट है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना तो भूलिए ही मत, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो मिल पाएगी और सबसे पहले आप करंट अफेयर अपना तैयार कर लेंगे, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने किसकी जगह ली? पूछा है हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने किसकी जगह ली है, तो वो ली है लाल तन्हावाला की, ठीक है? ऑप्शन बी राइट है। आपको पता है कि जो मिजोरम में नए मुख्यमंत्री हुए हैं वो कौन हुए हैं? जोरमथंगा, ठीक है? जोरमथंगा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं, आपको याद रखना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो वो थी पर्वत आवश्यक है। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है और जो 11 दिसंबर को पर्वत दिवस मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी पर्वत आवश्यक है। ऑप्शन ए राइट है, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुसीरुल अल हसन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो क्षेत्र उनका था शिक्षा का। ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुसीरुल अल हसन भारत के बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता की जो आज़ादी की लड़ाई थी उस पर इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्राथमिक और वरिष्ठ स्कूलों में प्रतिभा वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। पूछा है किस राज्य के प्राथमिक और वरिष्ठ स्कूलों में प्रतिभा वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है मध्य प्रदेश के स्कूलों में, ठीक है? ऑप्शन बी राइट है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो प्राथमिक और वरिष्ठ यानी जूनियर जो स्कूल हैं वहाँ पर प्रतिभा वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार 2018 की थीम क्या थी, ठीक है? तो उसकी थीम थी स्टैंड अप
फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन ए राइट है। आपको बता दें कि जो 10 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया गया है उसकी थीम स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स थी। ठीक है, आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है दोस्तों। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल के वीडियो आपको देता हूँ कि दोस्तों आप या आदत बना लीजिए जल्दी जल्दी चीज़ों को याद करने की, क्योंकि स्लो रहने पे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। परीक्षाओं में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो आप अपनी स्पीड बनाइए, बोलने की स्पीड बनाइए, याद करने की, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। तो अगला जो मैंने आपसे दोस्तों कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लीजिए, उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वो किया है म्यांमार में। मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया कि हमारे राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद म्यांमार की यात्रा पे गए हैं और उन्होंने म्यांमार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन करके म्यांमार के वासियों को सौंप दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। और चलिए आज का सवाल भी देखते हैं, आज का सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुंभ 2019 के लिए रेल मंत्रालय ने कितनी योजनाएं लागू की हैं, पूछा है। कुंभ 2019 के लिए रेल मंत्रालय ने कितनी योजनाएं लागू की हैं, ऑप्शन है 11, बी 41, सी 13 और डी है दोस्तों 50। ठीक है, डी 50। तो जो लोग मेरी डेली करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे वो इसका आंसर मुझे कमेंट करके दोस्तों बताएंगे। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कोई वीडियो में परेशानी आपको आती है, कहीं पे कन्फ्यूज़न होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ फ्यूचर में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अभी मैं आपको करंट अफेयर की क्लास ही दे पा रहा हूँ, मेरा बिजी शेड्यूल है थोड़ा सा। जब मैं फ्री होता हूँ तो आपके लिए हिस्ट्री का, पॉलिटी का, पूरा संविधान में कवर करने वाला हूँ आपके लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो फ्यूचर में आपको इस चैनल के द्वारा मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बता दूं कि वीडियो के यहाँ पे अभी एंड में आपको एक सब्सक्राइब बटन आएगा वीडियो के ऊपर, उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन